प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। आप सभी को सत सत नमन। सो भारत के भूगोल में हम लोगों का टॉपिक है हिमालय। हिमालय में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा। अब ट्रांस हिमालय में जो अस्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि उससे प्री का क्वेश्चन आता है। क्या प्री का क्वेश्चन आता है? दिस इज आर इनक्रेडिबल इंडिया, और हमने इसके मुकुट को यानी कि सर को हमने यहाँ पर बनाया है, और ये हाथ आप मान लीजिए। कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस मुकुट की मांग करते हैं, यानी कि हमारे सर को, भारत के ताज, भारत के सर को। हाथ पैर ले लिया, हाथ हम क्या कह सकते हैं, हमारा बांग्लादेश क्या था, हमारा हाथ ही है, और दाहिना हाथ क्या था, असिंधु क्षेत्र था, दोनों को ले लिया। अब सर को भी लेना चाहते हैं। सर को तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि सर के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, क्या हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते, तो इसको देना इम्पॉसिबल है। बाय द वे, तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेटर हिमालय में, क्या ग्रेट हिमालय में हम लोगों ने ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ा था। अब ग्रेट हिमालय में जो अस्थलाकृतियां हम लोगों ने पढ़ा वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उनको हम लोकेट करते हैं, और आप लोग क्या करें, आप मैप निकाल कर देखें, और मैप में आप भी लोकेट करते रहिए, जिससे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे पहला जो लोकेशन है यहाँ पर है, क्या यहाँ पर, इसका नाम है राकापोशी, क्या राकापोशी। अब राकापोशी विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली कह सकते हैं पर्वत श्रेणी है, ठीक है, राकापोशी। दूसरा जो है इसको कहते हैं नंगा पर्वत, क्या नंगा पर्वत कहा जाता है। नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक क्या हिमालय का विस्तार है, ठीक है। अगला है हरा मुख पर्वत, ठीक है। अगला जो पर्वत है उसका नाम है नुन कुन, ठीक है। और अगला पर्वत जो है उसका नाम है कोला होई। अब इतने पर्वत आपको यहां पर ध्यान रखना है, कहां पर, जम्मू कश्मीर के। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है, एक तो क्वेश्चन आया जाएगा कि ये पर्वत कहां पर है, पहला तो क्वेश्चन यही रहेगा। तो हम लोग जम्मू कश्मीर को स्पेशल जब पढ़ेंगे, क्या जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी को पढ़ेंगे, तो वहां की सभी स्थलाकृतियों को देखेंगे, और जितना इसमें कवर हो जाता है उतना अच्छा है। तो आपको क्या, कैसा पीढ़ी के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि आप इसे दक्षिण से या उत्तर से अरेंज करिए, क्या दक्षिण से उत्तर आप अरेंज करिए। तो सबसे उत्तर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, पांचवें नंबर पर ये, तो उत्तर दक्षिण हो गया। अब अगर पूरब पश्चिम से, तो पश्चिम में ये और पूरब में ये, ऐसे भी अरेंज करने को दिया जा सकता है, ठीक है। अब उत्तराखंड में देखते हैं कौन कौन से पर्वत हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पर्वत है बंदर पूंछ, ठीक है। अब दूसरा पर्वत देखेंगे यहाँ पर, इस पर्वत का नाम है चौखंभा। आगे जब जाएंगे तो आपको ये जो पर्वत है, ये पर्वत का नाम है कामेत, क्या कामेत। आप जब आगे गुजरेंगे तो ये आएगा, इस पर्वत का नाम है द्रोणागिरी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, क्या यहाँ पर ये, तो ये जो पर्वत है उसका नाम है त्रिशूल, क्या त्रिशूल। आगे गुजरेंगे तो ये पर्वत जो है इसका नाम है नंदा कोट, और उसके बाद ये इसका नाम है
नंदा देवी। अब इतने पर्वत आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में मिलेंगे। क्या? उत्तराखंड में। अब आपको ध्यान रखना है, इतने जो पर्वत हैं कहाँ पर हैं? भारत में है। क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पर्वत हैं भारत में है। और देखते हैं भारत का एक पर्वत यहाँ सिक्किम में है, इसका नाम है कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा। और एक पर्वत यहाँ पर है जिसका नाम है नमचा बरवा। क्या? नमचा बरवा। ठीक है, अब इतने पर्वत क्या है भारत में। और अभी किसी बात हो रही है, ग्रेट हिमालय की बात हो रही है, ग्रेट हिमालय में पर्वत पाए। अब यहाँ से यहाँ पर जो क्षेत्र है नेपाल है, नेपाल का क्षेत्र भी हिमालय में आता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत हिमालय, कौन सा पर्वत भारत में है या नेपाल में। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि भारत में है। अब नेपाल में हम क्या नेपाल में देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा धौलागिरी। क्या? धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत हो गया। ठीक है, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी भारत में है लेकिन धौलागिरी पर्वत नेपाल में है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको यहां पर मिलेगा आपको अन्नपूर्णा। क्या? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत, यह भी आपका नेपाल में है। क्या? ये भी। आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा मानासालू। क्या? मानासालू पर्वत, मानासालू पर्वत, ये भी। क्या? ये भी आपको कहां पर मिलेगा? नेपाल में मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ आपको मिलेगा गौरी शंकर। क्या? गौरी शंकर पर्वत, गौरी शंकर। आगे चलिए, यहाँ पर ये पर्वत का नाम है चोयू। क्या? चोयू। और इसका इसका नाम है एवरेस्ट, एवरेस्ट, एवरेस्ट। और इसका मकालू। क्या? मकालू। अब आप सबका स्थान आप लोग तो ध्यान से देख लीजिए अपने मैप में, आप उसको टिक कर लीजिए। और इनका उत्तर से यहाँ से यहाँ तक, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण ऐसा पूछा जा सकता है, यहाँ से यहाँ, और फिर पश्चिम से पूरब में भी क्रम पूछा जा सकता है। क्या? पश्चिम में, पश्चिम से पूरब क्रम पूछा जा सकता है। अब याद करना कैसे है, आप सबसे पहले इसको ध्यान रखिए यहाँ पर कि कंचनजंगा यहाँ पर है, ठीक है, और नंगा पर्वत यहाँ है, नमचा बरवा यहाँ पर है, ये इतना आप ध्यान रखिए। फिर धौलाधर देखिए। क्या? धौलाधर, तो यहाँ पर डी है। क्या? धौलाधर को डी मान ले तो डी ए एम। क्या? इसका आप क्या बना सकते हैं? डैम, डी ए एम। तो डैम क्या हो गया? धौलाधर हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मानसालू हो गया, डैम से आप याद कर सकते हैं। फिर आगे ए एम। क्या? ए एम, एवरेस्ट मानसालू, एवरेस्ट और मानसालू को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप क्या बना सकते हैं, आप छोटे छोटे शब्द बनाकर आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो आर एन एच के, तो आप इसको क्या बना सकते हैं, आर ए एन ए राना। क्या? राना, तो राना। और एच ए के राना हो गया, और एच के से क्या बन सकता है, हाकना, हाकना। ऐसे मतलब छोटे छोटे शब्द बनाकर आप याद कर सकते हैं, या तो एक दो बार आप देखेंगे किसमें, मैप में इसको देखेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना है, उत्तर से दक्षिण इनका, पूरब से पश्चिम विस्तार, और कौन से भारत में है, कौन से नेपाल में है। नेपाल में यहाँ से यहाँ तक हमने नेपाल बताया, कंचनजंगा भारत में, और इधर पूरा भारत में। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, get the notification.